पैराग्राफ 6 देखिए, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, इज लाइंड विद, कतार की सूरत में बनाया गया है, मोर देन 20,000 हैंडमेड कैरामिक टाइल्स, 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलों से, इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस, 50 से ज़्यादा गुलेलाला के फूलों के डिज़ाइंस में। फिर से देखिए ज़रा, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, निचली सतह पर 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलों से, 50 से ज़्यादा गुलेलाला के मुख्तलिफ डिज़ाइंस में, कतार की सूरत में बनाया गया है। एट द गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर, द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेम्बियंट, डिज़ाइन पुरनूर हो जाता है, डिज़ाइन भड़क उठता है, डिज़ाइन रंगीन हो जाता है, विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, नुमाइश के साथ फूलों की, फ्रूट्स फलों की, एंड साइप्रस और सनोबर या सफेदे के दरख्तों की। फिर से देखिए ज़रा, गैलरी की सतह पर डिज़ाइन ज़्यादा भड़क उठता है, फूलों की, फलों की और सनोबर के दरख्तों की नुमाइश के साथ। पैराग्राफ 7 देखिए, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से की बालाई सतह, इज अडोर्न्ड, सजाई गई है, मुजयन की गई है, विद ब्लू पेंट, नीले रोगन के साथ। फिर से देखिए ज़रा, अंदरूनी हिस्से की बालाई सतह नीले रोगन के साथ मुजयन की गई है। बच्चों, ये एक पैसे वाइज फिक्रा है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज, 200 से ज़्यादा दागदार शीशों वाली खिड़कियाँ, विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, पचीदा बनावट के साथ, अलाओ नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी को मदद देती हैं, टू ब्राइटन अप, मुनव्वर करने के लिए, रोशन करने के लिए, इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को। फिर से देखिए ज़रा, 200 से ज़्यादा दागदार शीशों वाली खिड़कियाँ, पचीदा डिज़ाइंस या बनावट के साथ, कुदरती रोशनी को मदद देती हैं, इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए। एंड द चैंडलियर्स फर्दर इल्यूमिनेट, और चहल चराग या फानूस मज़ीद मुनव्वर करते हैं, मज़ीद रोशन करते हैं, इट इसको, विद देयर ग्लो, अपनी चमक धमक के साथ, और मज़ीद चहल चराग इसको अपनी चमक धमक के साथ मज़ीद मुनव्वर करते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड, सजावटों में शामिल हैं, आयात फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक की आयात। फिर से देखिए ज़रा, सजावटों में कुरान पाक की आयात शामिल हैं, द फ्लोर्स आर कवर्ड, फर्श ढके हुए हैं, विद कारपेट्स, कालीन के साथ। फिर से देखिए ज़रा, फर्श कालीन के साथ ढके हुए हैं। पैराग्राफ 8 देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम जुज, इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में, इज द मेहराब, मेहराब है। फिर से देखिए ज़रा, सबसे ख़ास, सबसे अहम जुज मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में, मेहराब है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जिसको उम्दगी से तराशे गए संगे मरमर से बनाया गया है। फिर से देखिए ज़रा, इस मस्जिद के अंदर सबसे ख़ास जुज मेहराब है, जिसे उम्दगी के साथ तराशे गए संगे मरमर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब की दाईं तरफ, इज
आ रिचली डेक्यूरेटेड पल्पेट नफासत से सजाया गया एक मिंबर है। मेहराब की दाईं तरफ बड़ी नफासत के साथ सजाया गया एक मिंबर वाके है। द मस्जिद इज सो डिजाइंड, मस्जिद को इस तरह बनाया गया है दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड, हत्ता के जब ये ज़्यादा भरी हुई हो, एवरी वन इन द मस्जिद, हर कोई मस्जिद में, कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम, इमाम साहब को सुन और देख सकता है। इस मस्जिद को इस तरह बनाया गया है कि जब ये भरी हुई हो, हर कोई मस्जिद में इमाम साहब को सुन और देख सकता है। पैराग्राफ 9 देखिए। द रॉयल रूम, शाही कमरा, इज सिचुएटेड, वाके है, शाही कमरा वाके है, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी कोने में शाही कमरा वाके है। इट हैज़ इट्स ऑन पल्पिट, इसका अपना मिंबर है, दैट यूज्ड टू बी डेक्यूरेटेड, जिसको सजाया जाता था, विद जेड एंड रोजेज, कीमती पत्थर और गुलाब के फूलों के साथ। फिर से देखिए ज़रा, इसका एक अपना मिंबर है जिसे गुलाब के फूलों और कीमती पत्थर के साथ सजाया जाता था। पैराग्राफ 10 देखिए। द ब्लू मस्जिद हैज 6 मिनरेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनरेट्स स्टैंड, 4 मीनार वाके हैं। 1 ईच, एक एक करके, एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के चारों कोनों पर। मस्जिद के 6 मीनार हैं, 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर वाके हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मिनरेट्स, इनमें से हर एक पेंसिल की सूरत का मीनार, हैज़ 3 बालकनीज, उसकी 3 बालकोनियाँ हैं, वाइल द अदर 2 एट द एंड ऑफ द 4 कोर्ट, जबकि बाकी 2 जो के बलाई सेहन के आखिर पर वाके हैं, हैव ओनली 2 बालकनीज, उनकी महज 2 बालकोनियाँ हैं। कंप्लीट तर्जमा सुनिए ज़रा। इनमें से हर एक पेंसिल की सूरत के मीनार की 3 बालकोनियाँ हैं, जबकि बाकी 2 मीनार जो के बरूनी सेहन के आखिर पर वाक़िया हैं, उनकी सिर्फ 2 बालकोनियाँ हैं। पैराग्राफ 11 देखिए। इन द इवनिंग, शाम के वक़्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, स्याहों की एक कसीर तादाद, स्याहों की एक बड़ी तादाद, एंड टर्क्स और तुर्की लोग, गैदर इन द पार्क, सैरगाह में जमा हो जाते हैं, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने, टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज, मगरब की नमाज की आज़ान सुनने की गरज से। शाम के वक़्त एक बड़ी तादाद में तुर्क और स्याह इस मस्जिद के सामने पार्क में जमा हो जाते हैं, मगरब की नमाज की आज़ान को सुनने के लिए। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद रोशनियों के सैलाब से भर आती है, रोशनियों के सैलाब से उमड़ आती है, एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, और ईमान वालों के दिल सरशार हो जाते हैं, ईमान वालों के दिल भर आते हैं विद डिवाइन लव, अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ। फिर से देखिए ज़रा। मस्जिद रोशनियों के सैलाब से उमड़ आती है और ईमान वालों के दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ भर आते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द मस्जिद, हत्ता के गोया के इस मस्जिद का
बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है ओवर द ईयर्स, कई सालों में, येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट, अभी भी इसने नहीं गवाई है द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, अपने स्याहों की मोहब्बत। फिर से देखिए ज़रा, गोया कई सालों में इस मस्जिद का काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर इसके स्याहों के लिए इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, मस्जिद अभी भी दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली यादगारों में से एक है, या मस्जिद का शुमार दुनिया की उन यादगारों में होता है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस सबक की ट्रांसलेशन का इख्तिताम होता है। मैंने बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करने की कोशिश की है ताकि आप बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अपने हल्का अहबाब में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और मुझे आतफ़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।